गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट, अ विजन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज हम फिर से लेके आए करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19th and 20th अप्रैल। तो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि साराई ओराम, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया, किस फील्ड से एसोसिएटेड थे वो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्विट्रीज में आता है, जो रिसेंट फेमस पर्सनलिटी का डेथ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे पहले, ठीक है, वो हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। आपको याद कर ये रखना है कि वो जो थे उड़ीसा के स्टेट, अगर पूछ देगा स्टेट कौन सा था, तो उड़ीसा ऐसे स्टेट बिलोंग कर रहे थे, और उनका कंस्टिट्यूएंसी, इनको वो जो फॉर्मर मिनिस्टर थे उड़ीसा के, और ट्राइबल एक बहुत बड़े ट्राइबल लीडर थे, सारे ज्यादा वो फॉर्मर मिनिस्टर थे उड़ीसा के, उनका जो कंस्टिट्यूएंसी था वो था चंपुआ। कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम 1971 में एज एन उत्कल कांग्रेस कैंडिडेट, उत्कल कांग्रेस कैंडिडेट के पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत के आए थे। उसके बाद 1977 में फिर उन्होंने जनता पार्टी के कैंडिडेट पे चुनाव लड़ा, जीता। उसके बाद फिर 1980 में जनता एस कैंडिडेट के चुनाव पे टिकट पे जीत के आए, 1990 में जनता दल के कैंडिडेट थे और वहां से भी चुनाव जीत के आए, और 2000 में खुद एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो वहां से इलेक्ट होके आए थे असेंबली में। तो बहुत बड़े लीडर थे ये, जो कि आप देखिए तो 1971, आप मान लीजिए कि उस समय से, जब इंडो पाक वार हुआ था उस समय से 2000 तक वो इलेक्ट होते रहे एज ए एमएलए ऑफ उड़ीसा, और ये बहुत बड़े ट्राइबल लीडर वहां पे माने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर पॉलिटिक्स होगा, अगर स्टेट पूछता है तो उड़ीसा होगा। रिलेटेड क्वेश्चन, आप स्टेटिक क्या हो सकता है, तो स्टेटिक सीएम कौन है, तो सीएम हो जाएंगे नवीन पटनायक। गवर्नर का बात करें तो गवर्नर कौन हो जाएंगे, गणेशी लाल, जो कि उड़ीसा का गवर्नर है, और कैपिटल आपको पता है भुवनेश्वर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने किस एक्सपोर्ट के फॉर्मुलेशन पे, ड्रग्स कौन से ड्रग के फॉर्मुलेशन पे जो कि एक्सपोर्ट किया जा रहा था, तो उसका जो फॉर्मुलेशन था उसके ऊपर से बैन हटा लिया है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारा ये ड्रग्स हो जाएगा वो हो जाएगा पैरासिटामोल। पैरासिटामोल पे 3 मार्च को, आप पूरा जो न्यूज है कि 3 मार्च को इंडिया क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि 26 फार्मा इंग्रेडिएंट मेडिसिन को, जिसमें से पैरासिटामोल भी आता है, उसके ऊपर बैन लगा है कि ये एक्सपोर्ट नहीं, बाहर नहीं भेजा जाएगा इसको, अगर पूरा कंप्लीटली बैन किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि दूसरे देशों से हम लोग को रिक्वेस्ट आया कि प्लीज हमको सेंड कीजिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और साथ में पैरासिटामोल, जो कि कोविड-19 की वजह में काम आ रहा है। तो इंडिया सोचा कि पहले हम अपना चेक करते हैं, हमारे लोगों के लिए देख लेते हैं। तो देखा गया कि हमारे लोगों के लिए पर्याप्त मेडिसिन है, इसीलिए इस पे बैन हटा लिया गया। और 17 अप्रैल को अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट इस पे बैन हटा लेगा, जो कि पहले कंटिन्यू कर रहा था वो बैन को इस पे। और साथ ही साथ ये बता दें कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ रहा था, जिसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और परमिशन लेना है फ्रॉम डीजीएफटी। डीजीएफटी क्या, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उससे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीजिए, फिर वो बैन हटा के उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पैरासिटामोल का, जितना टाइप का पैरासिटामोल का ड्रग्स होता है जिसमें पैरासिटामोल पाया जाता है, उसके ऊपर से बैन हटा लिया इंडिया ने अभी, और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। आपको पता है कि थैंक यू मैसेज अमेरिका से आ चुके हैं, ब्राजील से आ चुके हैं, स्पेन भेजा जा चुका है, स्विट्जरलैंड भेजा चुके हैं, मेडिसिन हम लोग भेज चुके हैं, और बहुत दुनिया में। आपको एक और न्यूज बता दें कि जो स्विट्जरलैंड में एक माउंटेन है, उस पर इंडिया का फ्लैग को फ्लैश किया जाता है, जिसमें बहुत कम देशों को आज तक फ्लैश किया गया, जैसे कि जापान हो गया, अमेरिका हो गया, तो उसमें इंडिया का भी आज एक दिन उसमें माउंटेन पे इंडियन फ्लैग को फ्लैश किया गया था थ्रू लेजर लाइट। तो एक बहुत बड़ा हमारा एक पॉलिटिकल हम लोग का इंक्रीमेंट हो रहा है कि पॉलिटिकली हम लोग बहुत बड़े हो रहे हैं अपने, ये कोविड-19 के वजह से भी हम लोग एक लेवल पे जा रहे हैं कि हम लोग, हमसे दूसरे नेशन, बड़े बड़े नेशन जो डेवलप्ड नेशन है, वो हेल्प ले रहे हैं और हम उनको हेल्प भी कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के देश के लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 3500 रुपया 3500 सिटीजन जो कि बाहर उसके ट्रैप्ड हो चुके हैं, मतलब कि उस स्टेट के नहीं है, बाहर हो चुके हैं, अमाउंट याद रखेगा 3500। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऐसे तो सब स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपने, जो कि इंडिया में हम लोग बहुत लोग कहीं भी जाके काम करते हैं, बहुत लोग साउथ में चले गए, साउथ के लोग नॉर्थ में आ गए, तो उसी तरह बहुत लोग जो फंसे हैं अरुणाचल प्रदेश के बाहर, तो उनके लिए 3500 का राशि एक तैयार किया कि उनके अकाउंट में डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और ये अरुणाचल के जो सीएम है, आपको नाम नोट करना है, पेमा खांडू, इन्होंने ये बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने मिनिस्टर से बात करके कि जो भी आदमी अरुणाचल के, जितने भी लोग बाहर है, उनको इमीडिएटली मनी रिलीफ पहुंचाओ 3500 का, जल्दी से जल्दी उनके अकाउंट में, ताकि उनको रहने खाने में कोई दिक्कत ना हो। आपको यहां से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें जो कि स्टैटिक होगा,
तो गवर्नर का नाम पूछेगा और यहाँ पे जो गवर्नर हो जाएंगे ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, अरुणाचल के प्रेजेंट गवर्नर है। अगर कैपिटल पूछता है तो वो हो जाएगा ईटानगर, ईटानगर वहां का कैपिटल है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक वेबसाइट सी घात बोल के एक वेबसाइट लॉन्च किया है फॉर जिसमें होम डिलीवरी किया जाएगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन जो हुआ है उसके वजह से हम लोग को बहुत सारी चीजें अभी मिल नहीं पा रही है, तो मिलने बहुत कम दुकानें हैं और जिसके वजह से मान लीजिए जाने में भी डर है कि आज आप न्यूज में अगर सुने होंगे तो देखिएगा जहां से आप वेजिटेबल्स खरीद रहे हो उसके दोनों हस्बैंड वाइफ, एक न्यूज था कि हस्बैंड वाइफ दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब बाई चांस अगर वहां से जो लोग वेजिटेबल्स लेके आए हैं तो उनको भी संक्रमण हो सकता है, उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च करता है कि ये क्या करेंगे, एक सी घर बोल के एक वेबसाइट लॉन्च किया। अब ये गवर्नमेंट जो होगा छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट होगा, सी उसी ले लाया छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट जिसके सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च किया सी घात, जो कि खुद उनके गवर्नमेंट के एजेंसी ने प्रिपेयर किया है, जिसका वेबसाइट का नाम होगा cghat.in और इसके थ्रू वेजिटेबल फ्रूट्स आपके घर होम डिलीवरी ट्रांसपोर्ट के भेजे जाएंगे इन लॉकडाउन फेज। इसमें जो वेंडर्स हैं, जो वेंडर्स सब्जी बेचते हैं फ्रूट्स बेचते हैं वो जाके यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे और वो स्टार्ट कर देंगे अपना होम डिलीवरी प्रोवाइड करना, लेकिन उनको परमिशन मिलेगा कलेक्टर का परमिशन मिलने के बाद ही अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि ये सर्विसेज जो होगा फ्री ऑफ चार्ज होगा टू वेंडर्स पे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई इस पोर्टल के लिए साइन इन करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ कस्टमर को ये भी कहेगा कि जो कस्टमर इंटरेस्टेड है वो भी इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करें फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने वेंडर्स को चूज करें, उसमें उनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स एसेंशियल आइटम्स और भी जैसे कि मिल्क हो गया, ग्रोसरी हो गया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, ये सब उनको घर में डिलीवर किया जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। इससे ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ेगी और कम लोगों में COVID-19 का फैलने का चांस बहुत कम डिक्रीज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे अपॉइंट किया गया सीएमडी ऑफ एमटीएनएल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एमटीएनएल किसको अपॉइंट किया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पीके पुरवार को अपॉइंट किया गया है सीएमडी ऑफ एमटीएनएल। अब देखते हैं हमारा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, देखिए जो ऑप्शंस में हमारे हैं तो वो जो तीन ऑप्शन है आपको नोट करना है, हम बोल रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं के कुछ पोजीशन पे अपॉइंट हुए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा विनीत अरोरा, तो विनीत अरोरा के बारे में बता दें कि विनीत अरोरा जो है वो एमडी और सीईओ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के लिए अपॉइंट हुए हैं। जो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, पेटीएम का ही एक पार्ट है, तो उसके एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए विनीत अरोरा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पराग राजा, तो पराग राजा के बारे में है कि वो भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, एमडी और सीईओ भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस को। अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि विरूपसा मिश्रा वो क्या अपॉइंट हुए, तो वहां पे हमारा हो जाएगा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। तो आप तीन चारों ऑप्शन हमको बता दिए, आपको हम बता दिए कि पीके परवार जो हो जाएंगे वो तो सीएमडी ऑफ एमटीएनएल हो जाएंगे, विनीत अरोरा का बात करें तो पेटीएम के जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ, पराग राजा भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हो गए, और विरूपसा मिश्रा का बात करें तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हो गए। अब चलते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए कि जो पीके परवार है वो बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड भारतीय संचार निगम लिमिटेड के पहले से ही सीएमडी है, मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल का। अब ये जो चार्ज होगा वो पहले ये जो होगा कि अब मतलब कि वो बीएसएनएल के साथ साथ एमटीएनएल को भी देखेंगे और उसके चेयरमैन साथ ही साथ एमडी भी रहेंगे। अब बता दें कि वो बीएसएनएल 2019 के जुलाई मंथ में बीएसएनएल के चेयरमैन अपॉइंट हुए, और आपको ये भी बता दें कि 6 साल के अंदर वो 3 बार एमटीएनएल के चेयरमैन अपॉइंट हो चुके हैं। अब बता दें यहां से कुछ एमटीएनएल रिलेटेड फैक्ट, तो एमटीएनएल 1 अप्रैल 1986 को एस्टेब्लिश या फिर फॉर्म्ड हुआ था, उसके बाद उसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। तो अगर फॉर्म का डेट होता है तो 1 अप्रैल 1986 और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चलते हैं अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, इसलिए हम आपको चारों ऑप्शन डिस्कस करके दिए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रिक्वायरमेंट फॉर ऑल शेड्यूल कमर्शियल, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनको कितना परसेंट पे ला दिया है फ्रॉम 100% से कितना परसेंट पे लेके आया है, चेंजेस आया है कुछ आरबीआई के, क्योंकि शक्तिकांत दास ने बहुत कुछ अनाउंस किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, चलते हैं इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि 80% पे लाके
जो कि पहले 100% था उसको 80% कर दिया। ये अनाउंस हुआ भाई आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि लिक्विड कवरेज रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो था फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक 80% ला दिया गया विथ इमीडिएट इफेक्ट। जैसे ये अनाउंस हुआ उसी टाइम से ये लागू होगा, क्योंकि देखिए बैंक जो है बहुत स्ट्रेस फेस कर रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 शटडाउन की वजह से, इसके वजह से उनको लिक्विडिटी इफेक्टिवली मेजर मैनेज नहीं कर पाए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया कि आसानी से मैनेज कर पाए, आसानी से उसको डील कर पाए, इसीलिए 100% से 80% ला दिया। यहां से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन बता दे तो आपके लिए स्टैटिक क्वेश्चन यह है कि शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर ऑफ आरबीआई है वो कितने नंबर के गवर्नर हैं, तो वो हो जाएगा क्योंकि पूछता है आजकल एसएससी का टेंडेंसी है पूछने का, तो हो जाएगा 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहा है कि जो चार आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है उनका नाम पॉजिटिवली कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। लास्ट के दिन के करंट अफेयर्स का हमको जो आंसर क्वेश्चन था कि किसने सबसे ज्यादा आईपीएल का ट्रॉफी जीता है, तो मुंबई इंडियंस और ये जकिया परवीन ने सही आंसर दिया है। और उसके बाद कौन कैप्टन सबसे ज्यादा जीते हैं, तो वो भी रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन से। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑटोनोमस डिवाइस जिसका नाम है वार्ड बोट, उसका नाम रखा गया वार्ड बोट, वो किस आईआईटी ने उसको एस्टेब्लिश या फिर बनाया, किस इंस्टीट्यूट ने डिलीवर किया, जो कि उसको डिजाइन किया गया किसके, कौन से इंस्टीट्यूशन के रिसर्चर के द्वारा, जो कि काम क्या है कि वो मेडिसिन और फूड डिलीवर कर रहा है कोविड-19 के पेशेंट्स को। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रोपर, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, आईआईटी जो रोपर है, रोपर कहाँ है, पंजाब में। तो उसने क्या किया कि एक डिजाइन किया रोबोट, एक्चुअली उसका नाम है वार्ड बोट, वो ऐसा एक रोबोट है जो कि मेडिसिन और फूड पेशेंट्स को जाके दे के आएगा, और उसका एक कंट्रोल रूम रखा गया है जहां से एक कंट्रोल रूम से रिमोटली उसको कंट्रोल किया जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी बहुत आज के लिए अच्छा था कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स जो है या फिर नर्सेज जो है वो डॉक्टर इन्फेक्टेड पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट में आए, इसीलिए बहुत हेल्पफुल होगा हमारे डॉक्टर्स के लिए उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। ताकि उसके साथ यहाँ पे एक और काम किया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को और यूटिलाइज करके ऐसा बनाया जा रहा है कि मल्टीपल पेशेंट्स या फिर बेड्स को सर्व करे एक राउंड में, मतलब जब एक बार ये निकले चीजों को लेके, चाहे मेडिसिन हो गया या फिर फूड्स हो गया, तो जब जाए तो एक ही बार में मल्टीपल बेड्स को सर्व करके चलाए और इसको कंप्लीटली कंट्रोल किया जाए कंट्रोल रूम में बैठ के रिमोट के द्वारा। ठीक है, तो मतलब जैसे कि यह पहुंच जाएगा आपके पास, रोबोट पहुंचेगा, आपको वहां से अपना सामान उठाना, जो मेडिसिन आपको इंस्ट्रक्ट किया गया वो उठाना है और फिर वो रोबोट वहां से रिटर्न दे। तो बहुत बड़ा एक चीज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर ने जो कि पंजाब में है उसने इसको डिजाइन किया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है, और अब जो पहले जो ये था 4% पे था उसको अब चेंज करके ला दिया गया 3.75% पे। पहले 4% का था, अब उसको चेंज करके ला दिया गया 3.5%। और ये गवर्नर शक्तिकांत दास ने अनाउंस किया जस्ट बिकॉज कि कोविड-19 में जो हम लोग का लॉकडाउन एक्सटेंड किया उसके वजह से इसको कम कर दिया गया। उसके बाद अगर बात करें सेंट्रल बैंक का एक और बात, तो उसने क्या किया कि 50,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी अनाउंस किया है, जिसको एलटीआरओ बोलते हैं। एलटीआरओ को नाम दिया गया एलटीआरओ 2.0, बिकॉज इस बार एलटीआरओ में फोकस किया गया लिक्विडिटी नीड्स फॉर माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी, एनबीएफसी को ज्यादा फाइनेंस करके फोकस करके रखा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा वो अभी प्रॉब्लम झेल रहे हैं। इसीलिए इसमें गवर्नमेंट के आरबीआई ने क्या किया है कि पहले तो रेपो रेट को कट किया है 25 पॉइंट के द्वारा, और साथ ही साथ एलटीआरओ में भी 50 करोड़ का लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लागू कर दिया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसमें ऐप का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा जो ऐप लॉन्च हुआ वो है किसान रथ। किसान रथ एक ऐप है जो कि लॉन्च किया गया भाई नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया किसान रथ। किस लिए? ताकि फूड ग्रेन्स और पेरिसेबल गुड्स जो है, पेरिसेबल गुड्स का मतलब होता है जो खराब हो जाता है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, कुछ दिनों में ही खराब हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो पाए और दिक्कत ना हो, इसलिए एक ऐप लॉन्च किया गया है किसान रथ, जिसके थ्रू किसान को भी फायदा हो, लोगों के पास टाइम पे पहुंचे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, और ये फार्मर्स और ट्रेडर्स को
मदद करेगा ताकि उनको व्हीकल्स मिल सके फॉर द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, जो पेरिसेबल या फिर फूड ग्रेन, जो कि अभी देखिए सीजन है कि गेहूं की कटाई होगी, तो गेहूं काटने के बाद किसान जरूर जो उसका डेली नीड है कि उसको बेचना है, तो वो बेचेगा, तो कैसे बेचेगा, क्योंकि लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से उसको तो व्हीकल्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐप के थ्रू किसान क्या करेंगे कि अगर उस ऐप के थ्रू लॉग इन करके वो चेक कर सकते हैं कहाँ व्हीकल से कितना दूरी पे है, तो हम वहां पे जाके दे सकते हैं। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर मतलब कि पेरिसेबल गुड्स का मतलब कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, फिर जो खराब हो जाते हैं उन प्रोडक्ट को भी इसमें इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यूएन रिपोर्ट के द्वारा, एक यूएन रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि कौन से कंटिनेंट में 3 लाख कोविड-19 डेथ होगा इस साल, कोविड-19 की वजह से 3 लाख डेथ होगा दिस ईयर इन विच कंटिनेंट। यहाँ पे कंटिनेंट का नाम पूछा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंटिनेंट अफ्रीका में। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट की अफ्रीका में 3 लाख ज्यादा, कम से कम 3 लाख से डेथ देख सकता है इस साल एज ऑन अप्रैल 2020। अप्रैल में ये रिपोर्ट, 17 अप्रैल को जो रिपोर्ट रिलीज किया गया उसमें कहा गया कि ये 3 लाख से ज्यादा डेथ दे सकता है, मतलब कि लोगों का मृत्यु हो सकती है अफ्रीकन कंट्री में। अब इसमें ऐसा क्यों है कि वर्स नहीं है, क्योंकि अभी तक वहां पे कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लो फिर भी अफ्रीका को बुलाया कि वो 3 लाख डेथ जरूर देखा है। साथ ही साथ 1.2 बिलियन इन्फेक्शन होगा लोगों को, ये भी बुलाया कि 1.2 बिलियन इन्फेक्शन। और ये सिनेरियो कब है, जब इंटेंस सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इतना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए भी उस कंटिनेंट में ये हाल होने वाला है कि 1.2 बिलियन इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ 3 लाख का डेथ हम देख रहे हैं वहां पे। बहुत बड़ा ये नंबर है, क्योंकि अभी वर्ल्ड में जो सिनेरियो उसमें लगभग 3 लाख डेथ हुआ है वर्ल्ड का बात करें तो यहाँ पे इतना ज्यादा नंबर अफ्रीकन कंट्रीज में होने वाला है, जबकि इतना इंटेंस सोशल डिस्टेंसिंग के बाद भी ये यूएन का रिपोर्ट है। यूएन रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क है। और यूएन कब फॉर्म हुआ था, तो ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये था हमारा कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और जो क्वेश्चन दिए उसको काइंडली कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।